तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा टाउन हॉल जो 11 है, ये फुल्ली मैक्स हो चुका है। तो अब हम अपने टाउन हॉल को टाउन हॉल 12 पे अपग्रेड करेंगे और साथ में आपको गाइड भी करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ों को पहले अपग्रेड करना चाहिए, और साथ में रिसर्च की भी गाइड करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब टाउन हॉल को अपग्रेड करने से पहले, हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से मैजिक आइटम्स हैं जिनका हम यूज इस वीडियो में करेंगे। हमारे पास जो है वो बहुत सारे मैजिक आइटम्स हैं, इन सभी का हम यूज करेंगे जितना हो सके। तो चलिए अपने टाउन हॉल को अपग्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप टाउन हॉल अपग्रेड करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ नई चीज़ें दिखाने लगेंगी जो कि हमें टाउन हॉल 12 के ऊपर मिलने वाली हैं, जिसमें कि कुछ डिफेंसेस है और ट्रैप्स है, और साथ में एक जो हमें नया चीज़ मिलने वाला है वो है सीज मशीन। तो जिसको हम वर्कशॉप बोलते हैं, वर्कशॉप को अपग्रेड करेंगे तब हमें सीज मशीन मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी स्टोरेज की कैपेसिटी में कोई भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, बस हीट पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है। और साथ में जो टाउन हॉल है वो एक डिफेंस की तरह वर्क करने लगेगा जैसे ही आप टाउन हॉल 12 पे आएंगे। तो चलिए अपने टाउन हॉल को अपग्रेड कर देते हैं। इसको हम अपने गोल्ड से अपग्रेड कर देते हैं, और ये हैमर ऑफ जो बिल्डिंग है इसको हम रिसर्च के लिए बजा के रखते हैं। तो चलिए 60 लाख गोल्ड दे रहा है, तो इसको यूज करके हम अपने टाउन हॉल को अपग्रेड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बुक ऑफ बिल्डिंग भी है। हम दोनों का यूज करके आराम से टाउन हॉल को अपग्रेड कर देंगे। तो चलिए अपने टाउन हॉल को अपग्रेड करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये 4 दिन 5 घंटे तक का समय ले रहा है, तो हम इसको बुक के थ्रू तुरंत ही अपग्रेड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टाउन हॉल 12 अपग्रेड हो चुका है, और जैसे ही अपग्रेड होता है हमें यहाँ पे कुछ नई चीज़ें मिलती हैं जो कि लगभग टाउन हॉल 9 से हर एक टाउन हॉल पे मिलती है, जिसमें कि हो गया पाँच लेवल का हीरो बूस्ट, मतलब 5 लेवल आपका हीरो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ ही पावर बूस्ट मिलता है, आपके जो ट्रूप्स है वो मैक्सिमम लेवल को हो जाएंगे जितना आपके रिसर्च का लेवल रहेगा उस हिसाब से। फिर उसके बाद रिसोर्स बूस्ट, ये 5 दिनों के लिए रहेगा, मतलब आपके रिसोर्सेज जो है, जो माइंस होते हैं या फिर कलेक्टर, एलिक्सर कलेक्टर या फिर गोल्ड माइन, बूस्ट रहेंगे 5 दिनों के लिए। उसके साथ ही स्टार बोनस बूस्ट के लिए आपको अटैक करके 5 स्टार लाना होगा, तब आपको ये स्टार बोनस बूस्ट मिलता है, और ये 4x स्टार बोनस बूस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, ये 5 दिनों के लिए रहने वाला है। तो चलिए इसको स्किप करते हैं। इसको स्किप करेंगे तो आप यहाँ दिख रहे हैं, ये बता रही है कि मतलब आपका जो टाउन हॉल है, जो उस पर अटैक करेंगे तो वो उस पर आपके बेस को डिफेंड करने का काम करेगा। यू कैन अपग्रेड द वीपन टू मेक इट मोर पावरफुल, मतलब इसको जैसे जैसे आप अपग्रेड करते चलेंगे वैसे वैसे उतना ज़्यादा ये पावरफुल होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको अपग्रेड करने के लिए देने लगा, आपको इसको 5 स्टार तक अपग्रेड करना होगा। ये अभी लेवल 1 पर है, जैसे हम इसको अपग्रेड पर लगाएंगे ये लेवल 2 पर हो जाएगा। तो ये आप देखते रहिए। तो चलिए हम अपने अब बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग हमें अपग्रेड करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपग्रेड करूँगा। तो सबसे पहले हमें अपने रिसर्च को अपग्रेड करना चाहिए। रिसर्च के बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो है बैरक, तो बैरक खोजना पड़ेगा। पहले 4 होता था तो किसी न किसी साइड मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे है बैरक। बैरक जैसे आप अपग्रेड करेंगे हमें यति मिलने वाला है, ये टोटल 10 दिनों का समय लेने वाला है। तो इसको हम हैमर ऑफ बिल्डिंग से हैमर ऑफ बिल्डिंग का यूज करके हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमें आपको रिसर्च में भी बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें अपग्रेड करनी है। तो इसलिए हम अपने रिसर्च को हैमर ऑफ बिल्डिंग के थ्रू अपग्रेड करेंगे। फिर ये दोनों के बाद आगे अपना क्लैन कास्टल, आप जैसे ही क्लैन कास्टल को अपग्रेड करेंगे आपकी जो कैपेसिटी है ट्रूप्स की वो 35 से 40 हो जाएगी, और साथ में उसके जो लेवल्स आते हैं रिक्वेस्ट के वो भी इंक्रीज हो जाएगा इसके साथ ही। तो ये 3 चीज़ हो गई। फिर 3 चीज़ों के बाद हमें अपने डार्क पैरक को अपग्रेड करना है, क्योंकि आप जैसे जैसे अपने जितने ज़्यादा अपने ट्रूप्स को ओपन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ऑप्शन जो इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आपके अटैकिंग में हेल्प करेगा। जैसे कि इसको अपग्रेड करेंगे तो हमें हेड हंटर मिलने वाला है, और जो हेड हंटर है वो इनमी के हीरोज़ को बहुत जल्दी जल्दी डाउन कर देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रूप्स है। उसके साथ ही आप देखते हैं स्टोरेज के बाद, स्टोरेज भी अपग्रेड होगा आपका। स्टोरेज को अपग्रेड करने से पहले हम देख लेते हैं कि रिसर्च में कितना टाइम लेता है मैक्सिमम अपग्रेड होने में। आप सबसे पहले हम अपने स्टोरेज की कैपेसिटी देखते हैं। तो स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो 1 करोड़ है, और साथ में
साथ में ये जो इलेक्जर की कैपेसिटी है वो भी 1 करोड़ है। तो इसके थ्रू हम देखते हैं कि मैक्सिमम चीजें अपग्रेड हो जाती हैं कि नहीं, जिससे आप गोल्ड में देख सकते हैं, गोल्ड में सबसे ज्यादा ईगल अल्ट्रे लेता है, तो इसका जो गोल्ड है वो 1 करोड़ 10 लाख है, जो कि स्टोरेज से ज्यादा है, तो इसलिए हमें स्टोरेज अपग्रेड करना पड़ेगा। और साथ में अब रिसर्च में देखते हैं, सबसे पहले चलिए रिसर्च को अपग्रेड कर लेते हैं। तो इसको हम हैमर के थ्रू तुरंत इंस्टेंट अपग्रेड कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा रिसर्च हो चुका है टर्नल 12 के मैक्स लेवल पे। तो इसमें देखते हैं, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को अपग्रेड करते रहना है। और साथ में जो अभी तक अपग्रेडेड नहीं है, मतलब कि जो अपग्रेड नहीं हुए हैं, उसमें हो गया ये यति हो गया, और स्पेल्स में तो कोई नहीं है, और यहाँ पे हेड हंटर हो गया, तो ये दोनों चीज़ें अभी नहीं मिली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम जो ट्रूप्स हैं वो आराम से अपग्रेड हो जाएंगे आपके जो इतनी ही कैपेसिटी में, स्टोरेज कैपेसिटी में। बस गोल्ड की थोड़ी सी दिक्कत होगी जब आप ईगल को अपग्रेड करेंगे तब, तो इसलिए आप एक एक करके आराम से स्टोरेज को लगाते रहिए इन सभी बिल्डिंग्स के बाद। तो ये हो गई, फिर उसके बाद अब आर्मी कैंप देख लेते हैं कि आर्मी कैंप अपग्रेड होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्मी कैंप भी अपग्रेड हो रहा है, तो इसलिए आपको आर्मी कैंप भी अपग्रेड करना है। आपको डिफेंस के चक्कर में नहीं पड़ना है, सबसे पहले आपको अपने सारे के सारे बिल्डिंग्स के ऊपर ध्यान देनी है, फिर उसके बाद आपको डिफेंस के ऊपर जाना है। अब देखते हैं कि हमें कौन कौन सी नई चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप शॉप वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देने लगेगा आर्मी में हमें एक वर्कशॉप मिल रहा है जो कि 4 दिनों का समय ले रहा है। अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये मोस्टली डोनेशन के ही काम आता है। अभी शुरू शुरू में लेवल 1 का होता है तो वो ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है, तो आप इसको आराम से लगाइएगा, इसको पहले लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। डिफेंसेस को भी आप आराम से लगा सकते हैं, या फिर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय लेते हैं तो इनको समय देने से अच्छा है आप सबसे पहले अपने बिल्डिंग को अपग्रेड करिए, फिर इनको समय दीजिए, मतलब कि इसको अपग्रेड करिए सबसे पहले। चलिए इन सभी चीज़ों में सबसे पहले हम अपने ट्रैप्स को लगा लेते हैं, क्योंकि ट्रैप्स जो है आपके बेस को डिफेंड करता है। तो चलिए अपने ट्रैप्स को, सारे के सारे जितने ट्रैप्स हैं सभी को लगा देते हैं अपने बेस के अंदर। इसको हम साइड में इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम इसको बारी बारी अपग्रेड कर सकें, अगर वार में होगा तो वार में हम थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे, बेस के अंदर लगा देंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे ही ठीक है, जिससे कि हम इसको अपग्रेड कर सकें बारी बारी। ये अपग्रेड पे लग चुका है, आप देख सकते हैं हमारे पास सारे के सारे बिल्डर्स खाली हैं। तो चलिए अपने बिल्डर्स को अपग्रेड पे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बैरक को अपग्रेड में लगाना चाहते हैं, लेकिन बैरक के लिए हमारे पास उतने कॉइन नहीं है, तो चलिए क्लिनकास्टर से निकाल लेते हैं, फिर अपने बैरक को अपग्रेड पे लगाते हैं। तो बैरक जो है ये डार्क बैरक है एक्चुअली, ये बैरक तो नहीं है, ये है बैरक। तो चलिए अपने बैरक को अपग्रेड में लगा देते हैं कि इसको हम हैमर ऑफ बिल्डिंग के थ्रू ही अपग्रेड कर देते हैं, कि हमारे पास जो बहुत सारे हैं वो मेडल्स हैं, तो इसके थ्रू हम इसको बाय कर लेंगे और इसको तुरंत ही अपग्रेड लगा देंगे। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दिनों से अपने टाउन को अपग्रेड नहीं किया था, इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा जो मेडल्स हैं वो कलेक्ट हो चुके हैं, तो इसके थ्रू ही हम अपने यति को तुरंत अपग्रेड कर लेते हैं। बैरक जैसे ही अपग्रेड करेंगे हमारा जो यति है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद जो सेकेंड बिल्डिंग आती है वो है क्लन कास्टल, तो चलिए क्लन कास्टल को भी अपग्रेड कर ही लेते हैं। ये क्लन कास्टल लग चुका है अपग्रेड पे, इसको हम बुक ऑफ एवरीथिंग के थ्रू अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बुक ऑफ एवरीथिंग का यूज़ मैं रिसर्च में कुछ अपग्रेड करने के लिए करूँ। फिर इसके बाद और भी देखते हैं, हम और भी क्लन कास्टल से निकालते हैं कुछ है तो इसके थ्रू तो ये नहीं हो पाएगा अपग्रेड, तो इसके लिए हम यहाँ से कुछ बाई करते हैं जिससे कि उसको अपग्रेड पे लगा सके। और यहाँ पे अपग्रेड तो नहीं हो पाएगा, मैंने गलती कर दी, मुझे क्लन कास्टल से पहले नहीं निकालना चाहिए था, हमें अपने स्टोरेज को अपग्रेड पे लगाना चाहिए। स्टोरेज एक एक अपग्रेड पे लगा देते हैं जिससे कि थोड़े बहुत जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए, जिससे कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो एक एक स्टोरेज हमने दोनों स्टोरेज को लगा दिया है अपग्रेड में। अब चलिए देखते हैं कि हम इसको बाई कर सकते हैं कि नहीं रेड मेडल के थ्रू। अभी भी थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है जो कि हमें अटैक करके ही मिलेगा, तो चलिए हम एक अटैक कर लेते हैं। A few inches later. तो हमारा जो स्टोरेज है वो फुल हो चुका है, तो चलिए अपने डार्क वायर को अपग्रेड पर लगा देते हैं जिससे कि हमें जो हेड हंटर है वो मिल सके। तो चलिए ये सारी चीज़ें बिल्डिंग्स के बारे में हो गई, अब आते हैं रिसर्च के बारे में। अभी हमारे पास रून ऑफ एलिक्सर है तो हम इसका भी यूज करेंगे जिससे कि हम एकाएक और बिल्डिंग्स को अपग्रेड में लगा सकें या फिर रिसर्च में कुछ लगा सकें। तो हम चाहे तो आर्मी कैंप को अपग्रेड पे डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको अपग्रेड पे नहीं डालेंगे,
हम आराम से रिसर्च को अपग्रेड करते हैं, रिसर्च में आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चिप्स को अपग्रेड करना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि टाउन हॉल 12 में कौन कौन सी सबसे ज़्यादा पॉपुलर या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक स्टडी है, जो टाउन हॉल 11 में अटैक स्टडी होती है मोस्टली, वो सारी की सारी अटैक स्टडी टाउन हॉल 12 पे भी वर्क करती है, लेकिन इसमें कुछ और भी ऐड हो जाता है जैसे कि यति स्मैश और यति बैट्स जो कि इसमें ऐड हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी पॉपुलर अटैक स्टडी है टाउन हॉल 12 के ऊपर। तो एक हो गया हाइब्रिड, हाइब्रिड जो मोस्टली टाउन हॉल 10 से सभी टाउन हॉल्स पे वर्क करता है। हाइब्रिड के बाद हो गया ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड के बाद हो गया हमारा जो जैप विच टाउन हॉल 12 पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और मोस्टली लोग उसी का यूज करते हैं वॉर या फिर फार्मिंग में, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से स्पैम की तरह सारे के सारे बेस को फिनिश कर देती है। तो ये तीन अटैक स्टडी हो गई। फिर इसके बाद हो गया यति बैट, यति बैट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टाउन हॉल 12 के ऊपर। फिर उसके बाद ड्रैग बैट, ड्रैग बैट भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है टाउन हॉल 12 के ऊपर। ड्रैग बैट के साथ ही जैप ड्रैग भी पॉपुलर है टाउन हॉल 12 के ऊपर। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं कि कौन कौन से ट्रुप्स को हमें अपग्रेड करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें हमारे हीलर तो अपग्रेड हो नहीं रही है, तो इसलिए सबसे पहले हम अपने हाइब्रिड को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा यूज हाइब्रिड को ही करते हैं और टाउन हॉल 12 पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है हाइब्रिड। इसलिए हम सबसे पहले अपने हाइब्रिड को अपग्रेड करेंगे। हाइब्रिड में हो गया माइनर और हॉक्स हो गए, और कोई चीज़ें तो अपग्रेड करनी नहीं है। तो चलिए हॉक्स को हम इसके थ्रू अपग्रेड कर देते हैं, हैमर ऑफ़ फाइटिंग के थ्रू तुरंत ही अपने हॉक्स को अपग्रेड कर देते हैं, और उसके साथ ही अपने माइनर को आराम से अपग्रेड में लगा के बुक ऑफ फाइटिंग के थ्रू अपग्रेड कर देते हैं और माइनर को भी। फिर इसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर अटैक स्टडी में आती है वो है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड के लिए हमें अपने बलून और लावा दोनों को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम सबसे पहले चलिए लावा को अपग्रेड कर देते हैं। लावा को अपग्रेड करने के लिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें। तो ये देख सकते हैं हमारा जो डार्क लेजर है वो फुल है, और साथ में हमारे पास बुक ऑफ एवरी थिंग था, तो उसके थ्रू हम अपने लावा को अपग्रेड कर देते हैं, जिससे कि तुरंत ही हमारा लावा अपग्रेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा लावा तुरंत ही अपग्रेड हो चुका है। फिर लावा के बाद चलिए बाई करते हैं मेटल के थ्रू हैमर ऑफ फाइटिंग, जिसका हम यूज करेंगे कोई रिसर्च में अपग्रेड के लिए। हम मोस्टली ट्राई करेंगे कि हम डार्क लेजर के ट्रुप्स को अपग्रेड करें अपने हैमर ऑफ फाइटिंग के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे डार्क लेजर जो ट्रुप्स हैं इनको अपग्रेड करना है। तो चलिए अपने हॉक्स को मैक्स लेवल पे पहुंचा देते हैं। अब मुझे लगा था कि एक ही लेवल तक हॉक्स अपग्रेड होगा, तो चलिए एक और लेवल पे इसको अपग्रेड कर देते हैं, जिससे कि आराम से हम हाइब्रिड के थ्रू किसी भी बेस को मार सकें। और ये हो चुका है हमारा हाइब्रिड जो है वो मैक्स लेवल का। ये सारी चीज़ें अपग्रेड होने के बाद हमें अपने ब्लिजार्ड में अपने बलून को अपग्रेड करना होगा। बलून के साथ ही हमें अपने स्पेल्स में रेज स्पेल को अपग्रेड करना पड़ेगा, जिससे कि हम इसका यूज कर सकें, क्योंकि ये जो रेज स्पेल है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है किसी भी टाउन हॉल में। तो चलिए अपने रेज स्पेल को हम ये जो स्पेल है इसके थ्रू अपग्रेड कर देते हैं, और साथ में एक और स्पेल है जो कि लाइटनिंग स्पेल है, हम उसको भी अपग्रेड कर देते हैं, क्योंकि जैप विचेस में हमें लाइटनिंग का यूज बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो चलिए हम लाइटनिंग स्पेल को भी अपग्रेड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें अपग्रेड करनी है। फिर इसके बाद उन सारी चीज़ों को अपग्रेड करने के बाद हमें अपने विचेस को अपग्रेड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले माइनर को अपग्रेड करना है, माइनर के बाद अपने हॉक्स को अपग्रेड करना है, हॉक्स के बाद अपने बलून और लावा को करना है, क्योंकि उसके थ्रू आप ब्लिजार्ड कर पाएंगे। फिर उसके बाद जैप विचेस के लिए आपको अपने विचेस को अपग्रेड करना है, विचेस के साथ साथ अपने लाइटनिंग स्पेल और रेज स्पेल को भी अपग्रेड करते रहना है। फिर इन सभी के बाद हमें अपने यति को अपग्रेड करना है, क्योंकि यति के थ्रू हम यति स्मैश या फिर यति बैट्स का यूज कर सकते हैं। फिर यति के बाद फिर आता है जो मेन ट्रुप्स, फिर उसके बाद हमें अपने बॉलर को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि बॉलर्स के थ्रू हम बोविच कर सकते हैं, या फिर बॉलर का यूज बहुत ज़्यादा अटैक्स में होता है जो कि स्मैशिंग या फिर स्पैम के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम अपग्रेड करेंगे तो इसके साथ ही हमें सुपर बॉलर जो है टाउन 12 के बेस को क्रश कर देती है। तो इन सभी को अपग्रेड करने के बाद अगर आप बैट्स की अटैक स्टडी सीखना चाहते हैं तो आप बैट्स को अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे जो बैट्स की काउंटिंग है वो 5 इंक्रीज हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रो ड्रैगन से पहले हमें अपने ड्रैगन को अपग्रेड करना है, ड्रैगन के बाद हमें अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन को अपग्रेड करना है, फिर इन सभी के बाद अपने गोलम को अपग्रेड करना है, जिससे कि हम जैफ विचेस में उसका यूज कर पाएँ, और साथ में बोविच में भी गोलम्स का यूज होता है, तो इसलिए हमें गोलम को अपग्रेड करना है। फिर गोलम के बाद हम अपने फ्रिज को अपग्रेड करना है, फ्रिज के बाद अपने इसी स्पेल को अपग्रेड करना है, इनविजिबिलिटी स्पेल, इसको आप पहले भी अपग्रेड कर सकते हैं,
अगर आपने आप ब्लिज़ार्ड की अटैक की शरीर पहले करना चाहते हैं, मतलब शुरू शुरू में, तो इसको आप अपग्रेड पहले कर सकते हैं और सभी ट्रुप्सों को अपग्रेड करने से। फिर इन सभी के बाद इन सारे ट्रुप्सों को अपग्रेड कर लेना है, जैसे कि सुपर गोब्लिन हो गया, सुपर गोब्लिन के बाद अपने वॉल ब्रेकर को अपग्रेड कर लेना है। मैं यहाँ सुपर गोब्लिन बोल दिया क्योंकि एक गोब्लिन तो लगता नहीं है, कोई भी गोब्लिन का यूज़ नहीं करता है, मोस्टली सारे लोग सुपर गोब्लिन का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमें अपने गोब्लिन को अपग्रेड कर लेना है। अगर आप विजार्ड को अपग्रेड करना चाहें तो वॉल ब्रेकर के बाद अपने विजार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। फिर विजार्ड के बाद आप इधर देखेंगे डार्क लीजर टूप्स में, तो कोई इंपॉर्टेंट तो लग नहीं रहा है। यहाँ पे हाई स्कूलम है, तो आप इसको अपग्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेयरली इसका यूज होता है। मोस्टली लोग इसका यूज़ करते हैं कभी कभी शुरू शुरू में टैंकिंग के लिए, जिससे कि हमारे जो ट्रूप्स हैं वो आराम से अंदर तक पहुंच सके, जहाँ पे हैवी डैमेज हो उसके लिए करते हैं। तो आप इसको अपग्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे तो लेवल 3 भी सही है। फिर इसके बाद हमें सबसे जो लास्ट में करना है वो है जाइंट, क्योंकि जाइंट सबसे बेकार है, बिना किसी मतलब का इन्होंने क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने दे दिया। आप सुपर जाइंट में इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जाइंट से पहले आपको अपने आर्चर और बारबेरियन को अपग्रेड करना है, सबसे जो लास्ट में करना है वो है जाइंट। तो यहाँ पे हो चुकी है मोस्टली सारी चीज़ों के अपग्रेड। जो मैंने नहीं बताया वो है हेड हंटर का आप अपग्रेड करना चाहें लेवल 2 पे, तो लेवल 2 पे अपग्रेड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बाद फिर आती है अपने सीज के बारे, क्योंकि अगर आप वर्कशॉप को अपग्रेड में लगाएंगे तो यहाँ पे जो सीज का सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा, तो आप सीज में किसी को भी धीरे धीरे अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि हम मोस्टली जो सीज है वो मैक्स लेवल का यूज करते हैं, जो कि हम सीसी के थ्रू यूज करते हैं, तो आप इन तीनों से किसी को भी अपग्रेड करते रहिए। तो यहाँ पे भी रिसर्च की गाइड ख़त्म होती है, मैंने सारे के सारे रिसर्च की गाइड दे दी है, मतलब जो मैंने गाइड दी उसके साथ ही आपको कौन सी अटैक स्टडी अच्छी तरीके से आती है उसके हिसाब से ही आपको अपने ट्रुप्सों को अपग्रेड करना है। तो ये रिसर्च की गाइड यहीं पर ख़त्म होती है। अब आती है डिफेंसिस के बारे, तो डिफेंस में मैं आपको ज़्यादा गाइड नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हमें डिफेंस में अपने टाउन हॉल को अपग्रेड करना है, जितनी जल्दी आपका टाउन हॉल मैक्स होगा उतना ज़्यादा इनमी के लिए डिफिकल्ट होगा आपके बेस को 3-स्टार करना, क्योंकि टाउन हॉल जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज देने लगता है जितना लेवल ये अपग्रेड होता है। और साथ में जैसे ये लेवल 5 का होता है ये ब्लास्ट भी होता है, जिससे कि इनमी के ट्रूप्स जो होते हैं वो मारे जाते हैं। टाउन हॉल के बाद आपको अपने इन्फर्नो को अपग्रेड करना है, इन्फर्नो के बाद मतलब ईगल को अपग्रेड करना है, क्योंकि ईगल जो है बहुत ज़्यादा हैवी और स्प्लैश डैमेज देता है, तो इसलिए आपको इन्फर्नो के बाद ईगल को अपग्रेड करना है। ईगल के बाद अपने एयर डिफेंस को अपग्रेड करना है, एयर डिफेंस के बाद एक्सबो को, एक्सबो के बाद देख लेते हैं हमें कौन कौन से नए डिफेंसेस मिल रहे हैं। आपको नए डिफेंसेस को पहले लगा देना है, मतलब इन सभी डिफेंसेस को अपग्रेड करने से पहले उन इस नए डिफेंसेस को अपने बेस में लगा देना है, जिससे कि वो भी थोड़े बहुत डिफेंड कर सके। एक्सबो पे थे, एक्सबो के बाद हमें अपने विजार्ड टावर को अपग्रेड करना है, विजार्ड टावर के बाद फिर ये हो गया बॉम्ब टावर, बॉम्ब टावर को अपग्रेड करना है, बॉम्ब टावर के बाद अपने आर्चर टावर को अपग्रेड करना है, आर्चर टावर के बाद कैनन कार्ड को, कैनन कार्ड के बाद अपने ट्रैप्स को अपग्रेड करना है, फिर ट्रैप्स के बाद सबसे बेकार चीज़ है जो है वो है मोटर, फिर मोटर को बेकार चीज़ को लगा देना है आपको अपग्रेड में। इन सभी चीज़ों के साथ साथ आपको अपने हीरोज को भी अपग्रेड करते रहना है, क्योंकि हीरोज भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए अपने हीरोज को भी अपग्रेड पे लगाते रहना है। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हीरोज है टाउन हॉल 12 के ऊपर वो है क्वीन, तो चलिए हम एक हीरोज को अपग्रेड कर लेते हैं तुरंत ही अपने क्वीन को। सबसे पहले हम अपने क्वीन को मैक्स करना है, क्वीन के साथ साथ ही हमें वार्डन को भी अपग्रेड करते रहना है, क्योंकि वार्डन का जो लेवल है वो 20 लेवल अपग्रेड होगा। आपको यहाँ पे 20 लेवल दिखा रहा होगा, ये टोटल 40 लेवल तक टाउन हॉल 12 पे अपग्रेड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अनोइंग है, तो इसलिए आपको वार्डन को लगातार लगाते रहना है अपग्रेड पे, जिससे कि आपका वार्डन जल्दी से मैक्स हो सके। उसके साथ ही सबसे लास्ट में आपको अपने किंग को अपग्रेड करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।